शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर लदी हुई मालगाड़ियों से ट्रकों लॉरियों तक सीमेंट का भार ढोते हैं सैकड़ों मजदूर। जिंदगी की खोज इन्हें दिल्ली के सरहदी इलाकों और बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से खींच लाई है। अपने परिवार सहित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये मजदूर रोजमर्रा की उन्हीं मुसीबतों से जूझते हैं, पानी, अस्पताल, स्कूल और स्वच्छता। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इन्हें सही मायने में दिल्ली ने अपनाया है। यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने जो सुविधा दी है आज तक और किसी ने नहीं दी है। यहाँ पर 7 या 6 टॉयलेट हैं। यहाँ पर इतनी सफाई होती है, मैं खुद करता हूँ, केयर टेकर हूँ यहाँ। केजरीवाल सरकार की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत से बच्चों को फ्री शिक्षा और खाने पीने को सब कुछ, आंगनबाड़ी और शौचालय की सुविधा सब कुछ मिली है। जितना काम हमारे आम आदमी पार्टी ने और स्वतंत्र जन जी ने करवाया, मैंने तो अपने लाइफ में इतना काम देखा नहीं है। मैं झुग्गियों में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पर। और मेरी जब यहाँ पे झुग्गी टूटी थी तो हमारे 12-1 बजे के बीच में हमारे केजरीवाल साहब आए थे और यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे, मगर राहुल गांधी जो आए तो कुछ भी हम लोग को सुविधा नहीं दिया। केजरीवाल आ करके, जब केजरीवाल पहले आए उसके बाद यहाँ पे मीडिया आना चालू हो गया। हमारे को यहाँ पे 1 महीना तक उसने यहाँ पे लंगर बांटा, खाना खिलाया, चाय पिलाया, उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों के लिए तिरपाल बांटा। झुग्गी झोपड़ी आकर के रोका, रोकने के बाद उसने कहा कि कोई भी अब इसको कोई पुलिस वाला ना और भी कोई माने कि रेलवे वाला इसको कोई टच नहीं कर सकता है। पहले तमाम लाइट की दिक्कत होती थी, पानी की दिक्कत होती थी, शौचालय की दिक्कत थी, नाली की दिक्कत थी, अब तो शिकायत होता है। सतेंद्र जैन इतना इस विधायक इतना सुविधा कोई नहीं दिया। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक, शौचालय, बिजली, पहचान पत्र, राशन कार्ड। हम लोग 5 साल से बहुत सुख चैन से हैं, कोई तरह की परेशानी अभी तक नहीं है। इससे पहले हम लोग आए दिन झुग्गी हर 15 दिन में, 2 महीने में 4 महीने में टूट फूट के बराबर हो जाता। पहले जब हॉस्पिटल हम लोग जाते थे तो इनको भरपूर दवाई भी नहीं मिल पाती थी। आज जो भी बच्चा कोई बीमार होता है इसको पूरी दवाइयाँ मिलती हैं और ज़्यादा दूर सारे टेस्ट जो है फ्री हो जाते हैं। या दवाई भी देने के लिए आता है गाड़ी, अगर सेंट से दवाई भी मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सेवा नहीं उपलब्ध है तो उसके लिए जो है प्राइवेट सेवा के लिए भी उसका पैसा केजरीवाल सरकार दे रही है। हमारे यहाँ मजदूर के किसी पास घर नहीं है तो रैन बसेरा भी है, सारा चीज़ का यहाँ सुविधा दे रखी है केजरीवाल साहब। बहुत सारी पार्टी आया, उसके बाद झुग्गी कितना बार तोड़ा गया, कितना बार बनाया गया, लेकिन ये केजरीवाल के सरकार में जब से आया उसके बाद अभी तक झुग्गी नहीं टूटा। जब से केजरीवाल आया है झुग्गी टूटने के नोटिस लगता था यहाँ पे तो केजरीवाल के पार्टी आके खड़ा हो जाता था। 3 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, झुग्गी नहीं तोड़ने दिया। जो भी सुविधा दिया है हमारे केजरीवाल दिया है, इसके अलावा जो भी पार्टी यहाँ आया है सब लूट के गया है। और हम लोगों तो वोट उसी को देंगे केजरीवाल, और किसी को नहीं, समझ गए। हमारे लिए जो ईमानदार से काम करेगा उसी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी आपके साथ।